हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमित हियर एंड आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। काफी बार क्लासरूम में स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम लोग ये केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर अराउंड अस। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री एंड इट्स इंपॉर्टेंस। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज अवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड इसके अंदर आपको बहुत सारे गैलेक्सीज नजर आएंगे और इन गैलेक्सीज में से एक अपना होता है स्टूडेंट्स मिल्की वे गैलेक्सी। और जब हम इस मिल्की वे गैलेक्सी को जूम करेंगे तब उसके अंदर हमें बहुत सारे स्टार्स नजर आएंगे और इसी में से एक अपना होता है स्टूडेंट सन। और इसी सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं और इन्हीं सारे प्लैनेट में से एक अपना होता है स्टूडेंट्स अर्थ, जो कि अपना खुद का घर है। अब स्टूडेंट्स, आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज द मैटर। नाउ व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड व्हिच हैज मास इज कॉल्ड एज मैटर। ये प्लांट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, सी लाइफ, ह्यूमन बींग्स, आपके आजू बाजू में अलग अलग जो बिल्डिंग्स प्रेजेंट है, सॉइल, फूड, यहां तक कि आपके क्लोथ्स, मेडिसिन, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? इन्हीं को बोला जाता है मैटर बिकॉज इन सारे चीजों को क्या है स्टूडेंट, मास है एंड एक स्पेस ऑक्यूपाई करे। काफी बार बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सर हमारे आजू बाजू में हर एक चीज अगर मैटर है तो ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम मैटर नहीं कह सकते, ऐसी कौन सी चीज है जो नॉन मैटर में आती है? सो इट्स क्वाइट सिंपल स्टूडेंट, फीलिंग्स, एंगर, गुस्सा, लव, थिंकिंग, स्किल्स, अफेक्शन, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट? इंटेलेक्ट, लाइट, साउंड, इन सारी चीजों को आप नाप नहीं सकते, आप इसे मेजर नहीं कर सकते। आप किसी को यह नहीं बोल सकते स्टूडेंट कि आज मेरे को तेरे पे 50 केजी का पैर है, राइट? लव इज लव, आप उसे मेजर नहीं कर सकते। सो ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स? इट्स ए नॉन मैटर। ओके, अब हम लोग ये जानेंगे कि ये मैटर आखिर बना किससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये एक एप्पल है जो कि क्या है स्टूडेंट, एक मैटर है। और ये किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ फाइन पार्टिकल्स और इन्हीं फाइन पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, एटम। अब हम एटम का स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम इस एटम को जूम करेंगे स्टूडेंट तो उसके अंदर हमें दो चीजें दिखाई देगी। सेंटर में होता है स्टूडेंट न्यूक्लियस एंड उसके अराउंड कुछ पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो न्यूक्लियस है इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। वन इज प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होते एंड सेकेंड इज न्यूट्रॉन जो क्या होते स्टूडेंट, चार्जलेस। तो न्यूक्लियस को जो पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन्स। अब आगे जाके अगर आप प्रोटॉन्स के अंदर भी देखोगे तो उसके अंदर आपको कॉर्क्स नजर आएंगे एंड कॉर्क्स के अंदर आपको एनर्जी के रिंग्स नजर आएंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फोर्थ इज द प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन। अब आपके माइंड में एक सवाल आया होगा कि आखिर किस बेसिस पे इन मैटर्स को क्लासिफाई किया गया। सो द मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर दो एटम्स टाइटली पैक्ड है, अगर वो काफी क्लोज है एक दूसरे के, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। तो उसी स्टेट को हमने क्या बोला स्टूडेंट, सॉरी, अगर दो एटम्स किसी मैटर के अंदर थोड़े दूर है तो उनके अंदर डेफिनेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, थोड़ा कम होगा। और इसी चीज को क्या बोला हमने, लिक्विड। एंड द थर्ड इज द गैसियस स्टेट, जिसके अंदर दो एटम्स काफी दूर होते हैं एंड उनके बीच में, दो एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है स्टूडेंट, निग्लिजिबल होता है। इसी पॉइंट पे मैं आपको एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ स्टूडेंट। हम लोग जो डांस करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, चलते हैं, ये हम लोग इतने आसानी से कैसे कर पा रहे हैं स्टूडेंट? बिकॉज हमारे आजू बाजू में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट, गैसियस मीडियम।
और अगर गैसियस मीडियम प्रेजेंट है तो गैस इज ऑल्सो ए मैटर। अगर मैटर है तो एटम से बना हुआ है। एंड आपको पता है कि गैस के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है ये काफी दूर है एक दूसरे से, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। सो अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूँ तो यहाँ पे जो दो एटम्स है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मैं जब चल रहा हूँ तो मैं इसको आसानी से ब्रेक कर पा रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा सुना, जब आप स्विमिंग पूल के अंदर होते तो स्विमिंग पूल में क्या प्रेजेंट है, वाटर, एंड वाटर इज अ लिक्विड। और अगर वो लिक्विड है तो उसके अंदर दो जो एटम्स है वो गैस की तरह दूर नहीं होंगे, दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जितना आसानी से आप एयर मीडियम के अंदर चलते हो, डांस करते हो, हर एक वो चीज कर पाते हो, उतनी आसानी से आप वही सेम चीज लिक्विड के अंदर नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपको अगर पानी के अंदर चलना है तो आपको ये जो दो एटम्स है इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। सो यही रीजन होता है स्टूडेंट्स कि आप एयर के अंदर बहुत आराम से वॉक कर पाओगे, वेयर एज इन द लिक्विड मीडियम आप उतना आसानी से नहीं चल पाओगे। नाउ इन द सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप एक दीवार समझ लो, दीवार इज ए सॉलिड, वॉल इज ए सॉलिड, और उसके अंदर पार्टिकल्स क्या है, क्वाइट क्लोज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा है, तो आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। यू डोंट हैव दैट मच ऑफ एनर्जी टू क्रॉस दैट पर्टिकुलर थिंग। डियर स्टूडेंट, आपने अब तक पीरियडिक टेबल के बारे में कभी ना कभी सुना होगा। पीरियडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स, करेक्ट। अब ये जो एलिमेंट है ये क्या है स्टूडेंट, इट इज अ मैटर। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे हम लोग जो गोल्ड पहनते हैं उसको आपने देखा होगा, कुछ ना कुछ वेट होता है, कुछ ना कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब ये मैटर है। और अगर मैटर है तो इट इज मेड ऑफ एटम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट इज मेड ऑफ ऑल सेम टाइप ऑफ एटम्स। मतलब अगर गोल्ड है तो उसके अंदर कौन से एटम होंगे, सभी गोल्ड के ही एटम्स होंगे, राइट। मतलब उसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सभी क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो ऐसे अपने पास कितने एलिमेंट्स है स्टूडेंट, 180 एलिमेंट्स, और इन्हीं एटम्स और एलिमेंट्स से पूरा यूनिवर्स बना हुआ। एवरीथिंग अराउंड अस, जितना भी मैटर है वो सब का सब क्या है स्टूडेंट, इट इज मेड अप ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो हमारे आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर है स्टूडेंट, इट इज मेड अप ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन, एंड नियरली 1% ऑफ अदर गैसेस। ये वाटर है स्टूडेंट, उसका फॉर्मूला होता है H2O। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ तक कि स्टूडेंट हमारी बॉडी भी एलिमेंट से बनी हुई है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन। हर एक जो प्लांट्स होता है स्टूडेंट वो किससे बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ 17-18 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ 46% ऑफ ऑक्सीजन, 28% ऑफ सिलिकॉन एंड अदर एलिमेंट। जो मेडिकेशन हम लेते हैं स्टूडेंट, ये किससे बना हुआ, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इट इज लाइक दिस। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, और ये यूनिट के अंदर आप देख सकते हो इट इज मेड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। मीन्स हमारे मेडिकेशन भी किससे बनी हुई है स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स से। जो वायरस है इट इज प्रोटीन इन नेचर, इट इज मेड ऑफ अमीनो एसिड्स। जो सेल है फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, इसके अंदर जो भी ऑर्गेनल्स है हर वो चीज, इट इज मेड ऑफ एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट अब तक आपको इतना तो समझना है कि केमिस्ट्री का लिमिटलेस एप्लीकेशन है हमारे लाइफ में। हम जो खाते हैं, यहाँ तक कि जो अपन सांस ले रहे हैं, हर वो चीज ये किससे बनी हुई है स्टूडेंट, इट्स मेड ऑफ एटम्स। मतलब आपके मोबाइल्स हो, आपके क्लोथ्स हो, हर वो चीज, हर जगह क्या है स्टूडेंट, आपके अराउंड केमिस्ट्री है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और अगर आपको अच्छे कॉलेजेस में एंटर करना है तो आपके लिए एक स्कूलिंग सब्जेक्ट। वैसे देखा जाए तो केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बट आपको तीन चीजें पढ़ना है, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ इस टाइम। जो भी स्टूडेंट JEE और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट हियर। थैंक यू सो मच।